एवोल्यूशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक मीटियोर दिखाया जाता है जो सीधा धरती की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं अर्थ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वेन ग्रे है, जो फायर फाइटर के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि कल उसका फायर फाइटर का एग्जाम है। तभी वो मीटियोर ठीक उसी जगह गिरता है जहाँ वह प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कैसे भी करके अपनी जान बचा लेता है, पर जहाँ वो मीटियोर गिरता है वहाँ 80 फीट का गड्ढा बन जाता है। अगले दिन हमें दो साइंस के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम हैरी और कैन है। वो दोनों उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और जब वो उस मीटियोर की जांच करते हैं तो देखते हैं कि उस मीटियोर के अंदर से एक लिक्विड निकल रहा है। ये उसका भी सैंपल ले लेते हैं और जब वो अपनी लैब में उसे टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि लिक्विड में जिंदा जीवाश्म है जो बड़ी तेजी से खुद को जनरेट कर रहे हैं। इस बात से ये दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहां वो मीटियोर गिरा था और जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उसके आसपास का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है। चारों तरफ धुंध छाई है, साथ ही चारों तरफ छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं और उन धुंध के नीचे बहुत से कीड़े हैं। जब केन एक कीड़े को ऊपर उठाता है वैसे ही वो कीड़ा मर जाता है। ये देखकर केन समझ जाता है कि ये जो भी चीज है वो धरती के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि इनका अपना एक अलग वातावरण है। अगले दिन जब वो फिर से वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ मिलिट्री है। मिलिट्री ने उस पूरे जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर केन और हैरी आर्मी जनरल के पास जाते हैं। दरअसल केन पहले मिलिट्री में काम करता था और जनरल को पहले से ही पता था कि केन एक रिसर्चर है और इस जगह की इन्फॉर्मेशन जनरल ने उसी के कंप्यूटर को हैक करके निकाला है। ये जानकर केन चिढ़ जाता है और तभी वहाँ एलिसन नाम की एक वैज्ञानिक आती है और वो उन दोनों को कहती है कि ये मानव जाति के लिए एक बड़ी खोज है, तुम्हें इसे गवर्नमेंट से छिपाना नहीं चाहिए था। तभी केन जनरल को कहता है कि इसकी खोज हमने की है, इसका जो भी क्रेडिट है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन जनरल साफ साफ इनकार कर देता है, वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते, वो कोर्ट जाते हैं ताकि इन्हें इनका हक मिल जाए, लेकिन वो हार जाते हैं क्योंकि सरकार अपने अगेंस्ट नहीं जाती। दोनों निराश होकर लैब में आते हैं और देखते हैं कि इनकी सारी रिसर्च चोरी हो चुकी है और वो सैंपल भी वहाँ पर नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये सब जनरल ने करवाया है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर अपना सैंपल हासिल करना चाहते हैं। इसलिए रात में दोनों भेष बदल कर चोरी छिपे उस कैंप में जाते हैं जहां वो मीटियोर गिरा था और लिफ्ट से नीचे जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो मीटियोर है और वहां का नज़ारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि कुछ ही हफ्तों में वहां का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका होता है और वहां जो कीड़े थे वो विकसित होकर अलग अलग जीव बन चुके हैं। इससे पहले कि वो सैंपल लेकर वहां से निकल पाते तभी एलिसन उन्हें पहचान लेती है और सिक्योरिटी के साथ नीचे आ जाती है और तभी एक कीड़ा हैरी के सूट को काट कर उसके अंदर घुस जाता है और हैरी को बहुत दर्द होता है। फिर उस कीड़े को निकालने के लिए हैरी के पीछे से एक टूल डाला जाता है और उस कीड़े को निकाला जाता है। वो कीड़ा जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में आता है वैसे ही वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वेन ग्रे को दिखाया जाता है जिसने सबसे पहले मीटियोर को देखा था। वो एक पार्टी में वेटर का काम करता है। जिस आदमी का वो पार्टी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर लॉन में जाता है जहाँ एक झील होती है और तभी उस झील के अंदर से एक एलियन क्रीचर बाहर निकलता है जो इस आदमी को खींच कर उसी झील में ले जाता है। अगले दिन वेन उस क्रीचर को लेकर हैरी और केन के पास आता है और उन्हें बताता है कि कल इस क्रीचर ने एक आदमी को मार दिया था, उसके बाद दम घुटने की वजह से ये खुद ब खुद मर गया। केन और हैरी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्रीचर केप से बाहर निकलकर लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी हमें कुछ लेडीज को दिखाया जाता है जिनके बाथरूम से अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलती हैं तब वो एक अजीब से क्रीचर को देखती हैं। वो क्रीचर एक लेडी के ऊपर हमला करता है। इससे पहले कि वो क्रीचर को मार पाते वो क्रीचर खुद ब खुद मर जाता है। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केन, हैरी और वेन आते हैं और जब वो घर के पीछे जाते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वहां पर बहुत सारे ड्रैगन जैसे एलियन क्रीचर होते हैं जो धरती के वातावरण में आने से मर चुके होते हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं तभी एक क्रीचर जिंदा हो जाता है और वो अपने मुंह से एक अंडा बाहर निकालता है और उस अंडे से एक वैसा ही ड्रैगन निकलता है और वह ड्रैगन बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि ये धरती के वातावरण में पैदा हुआ है, इसलिए वो इस वातावरण में जिंदा रह सकता है। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते ड्रैगन हवा में उड़ जाता है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। वो ड्रैगन उड़ते हुए मॉल में घुस जाता है और लोगों पर हमला करता है। तभी ये तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद ड्रैगन को मार देते हैं।
इसके बाद पूरे शहर को ये पता चल जाता है कि उनके शहर में एलियन क्रीचर का हमला हो चुका है। ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है और लोग गवर्नर से जवाब मांगते हैं। इसलिए गवर्नर उसी लोकेशन पर जाता है जहां वो मीटियोर है और वो जनरल से जवाब मांगता है। तभी एलिसन गवर्नर को बताती है कि ये एलियन बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिस वजह से ये कुछ ही महीनों में पूरे शहर को और कुछ साल में पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। और तभी वहाँ ये तीनों भी आ जाते हैं। जनरल अपनी जान बचाने के लिए पूरा इल्जाम हैरी और केन के ऊपर डाल देता है। वो कहता है कि यही लोग उस कैब में पहली बार गए थे, इन्हीं लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से ये क्रीचर्स पूरे शहर में फैल गए हैं। तभी गवर्नर सबको चुप करवाता है क्योंकि वो अपने शहर को बचाना चाहता है और उनसे कोई सलूशन पूछता है। जनरल बताता है कि उस केव में जहां वो मीटियोर है वहां से कई सारे सुरंगें निकलती है, अगर हम उन सभी सुरंगों को बॉम्ब से उड़ा दे तो ये सारे एलियन क्रीचर्स खत्म हो जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि उस केव से कोई एलियन बाहर निकल आया है और वो जैसे ही लिफ्ट के पास जाते हैं तभी नीचे से गोरिल्ले जैसा एलियन क्रीचर बाहर निकलता है और वो सब पर हमला कर देता है। वो गवर्नर पर भी हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गवर्नर को मार पाता वैन उसे शूट कर देता है। गवर्नर इस बात से बहुत डर जाता है, वो समझ जाता है कि ये एलियन क्रीचर्स बहुत खतरनाक है और वो जनरल को बॉम्ब ब्लास्ट करने की परमिशन दे देता है। परमिशन मिलते ही जनरल केन और हैरी को बाहर निकाल देता है, लेकिन इस बार एलिसन भी उनके साथ आती है और वो अपने साथ वो सैंपल भी ले आती है जो जनरल ने केन और हैरी के लैब से चुराई थी। लैब आते ही केन एक बात पर हैरान होता है कि इस कैब में मौजूद सभी चीजें विकसित हो चुकी हैं, लेकिन ये लिक्विड क्यों नहीं हुआ। हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपनी जलती हुई माचिस की तीली को उसी लिक्विड की ओर फेंक देता है, जिससे उस सैंपल में आग लग जाती है और उसके अंदर मौजूद क्रीचर बहुत तेजी से विकसित हो जाते हैं। ये देखकर इन चारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो समझ जाते हैं कि अगर केव के अंदर ब्लास्ट किया गया तो ये क्रीचर्स इतनी जल्दी विकसित हो जाएंगे कि मानव जाति को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और ये पूरी धरती को तबाह कर अपना कब्जा कर लेंगे। केन कहता है कि जब तक ये मीटियोर अंतरिक्ष में था तब तक ये विकसित नहीं हुए थे, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की हीट नहीं होती, जिस वजह से ये एलियन डीएनए एक्टिवेट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये उल्का धरती पर गिरा तो घर्षण की वजह से गर्मी पैदा हुई, जिससे ये सारे एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गए। और हमारा सैंपल अब तक विकसित इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमने अब तक इसे फ्रीजर में रखा था। तभी ये रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि एलियन डीएनए के लिए सिलीनियम जहर है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में सिलीनियम कहाँ से मिलेगा। ये बात ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ केन के दो स्टूडेंट्स आते हैं और वो इनको बताते हैं कि शैम्पू में भी बहुत सारा सिलीनियम होता है और वो प्लान करते हैं कि हम फायर फाइटर के ट्रक में बहुत सारा शैम्पू डाल देंगे और इसे एलियन क्रीचर्स के ऊपर छिड़क देंगे। ट्रक को पूरा भर कर ये लोग केव की तरफ निकल जाते हैं और सभी गुफा में पहुंच जाते हैं ताकि वो शैम्पू छिड़क कर सभी एलियंस को खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते जनरल ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लिक्विड वाला क्रीचर विकसित हो जाता है और वो जमीन फाड़ कर ऊपर आ जाता है। और तभी ये चारों फायर फाइटर का ट्रक लेकर उस एलियन क्रीचर के नीचे पहुंच जाते हैं और उन्हें एक होल दिखाई देता है और हैरी उस होल में पाइप डालकर सारा का सारा शैम्पू क्रीचर के अंदर डाल देता है और कुछ ही देर में वो एलियन क्रीचर ब्लास्ट हो जाता है। और इसी तरह ये चारों मिलकर धरती को एलियन से बचा लेते हैं। एंडिंग सीन में गवर्नमेंट इन चारों को सम्मानित करती है और वेन को फायर फाइटर का जॉब दे देती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।